हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। फ्रेंड आज हम बात करेंगे कॉग्निजेंट जेंसी रिक्वायरमेंट का। फ्रेंड आप लोग फ्रेंड पता हो आप उनमें से बहुत लोगों ने इसमें अप्लाई कर चुके होंगे और बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं सर अभी तक मेरे पास कुछ भी मेल नहीं आया, ना असेसमेंट का लिंक आया, ना ही कोई कन्फर्मेशन का मेल आया है कि आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला था। हम लोग इस वीडियो में उसी के बात करेंगे और मैं आपको मेरे स्क्रीन पर 7 पॉइंट देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेल को और एग्ज़ाम किस दिन हो रहा है उसको पे देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखिएगा। तो फिर देखेंगे इस तरह का मेल आपको देखने को आएगा, कॉग्निजेंट 2021 कैंपस सेक्शन राउंड वन असेसमेंट। यहाँ पर आपका नाम लिखा है, ग्रेटिंग फ्रॉम कॉग्निजेंट, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट टुवर्ड योर करियर अपॉर्चुनिटी विद कॉग्निजेंट एज आर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड योर इंटरेस्ट इन परसुइंग जॉब अपॉर्चुनिटी विद कॉग्निजेंट। वी विल अंडरगो आवर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। बिफोर यू स्टार्ट द टेस्ट वी विल लाइक टू सेट सम गाइडलाइंस फॉर अटेम्प्टिंग द टेस्ट, ठीक है। फ्रेंड आप लोगों को ये सारा जो बात होगा आपको सबको ध्यान में देना होगा, ठीक है। द कैंडिडेट नीड टू बी टेक द टेस्ट ऑन कंप्यूटर लैपटॉप इक्विपमेंट विद अ वर्किंग वेबकैम आपका होना चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक टेस्ट इन ऑल फेयर मेन मीन्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ आपको लिखा हुआ है, ठीक है। आपको क्या क्या प्रेस नहीं करना है, आपको टेप स्विच नहीं करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर ये देखिए फिर एग्ज़ाम जो डेट है आपका 22 जून है, 12 AM से लेकर एंड होने वाला है आपका 22 जून 11:59, ठीक है। मतलब कि 22 जून को सुबह में चालू हो जाएगा और रात के मतलब 12 बजे खत्म हो जाएगा टेस्ट का। दो मतलब अब इसके बीच में कभी भी आप 2 घंटे एग्जाम दे सकते हो, 2 घंटे एग्जाम में पर चलने वाला है, ठीक है। और यू डू नॉट नीड टू सेपरेट आईडी पासवर्ड, द लिंक विल लॉग विद ऑटोमेटिक। मतलब आपको जो मेल आएगा आपको आप कुछ भी प्रेस करने जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको जो लोग आएगा मतलब असेसमेंट का जो लिंक आएगा आप इस पर लॉग इन करोगे आपको ऑटोमेटिक आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड आप बात करते हैं आई अप्लाइड बट डिडंट रिसीव एनी मेल, देखो फ्रेंड मैं बता रहा हूँ कॉग्निजेंट जो जेंसी का एग्जाम का जो फ्रेंड पता हो पहले 13th of June था लास्ट डेट अप्लाई करना, आई थिंक वो उनके बाद उन्होंने कुछ इंक्रीज भी करा था तो इसलिए अभी सबको नहीं आ रहा है। देखो आएगा सबको लेकिन अभी बहुत कम बच्चों को आ रहा है और जिन लोगों को अभी तक नहीं आया है आप लोग वेट कीजिए, वो फेज़ वाइज सेंड कर रही है। मतलब जब आपने अप्लाई किया है उसके हिसाब से आपको सेंड करेगी। लेकिन आप लोग ये श्योर रहना जिसने भी अप्लाई किया कॉग्निजेंट में सभी को असेसमेंट का लिंक देखने को आएगा। मे भी आप लोगों को 2 से 3 वीक बाद आया, आपके फ्रेंड का आज आ गया लेकिन आपका नहीं आया है, इट्स मे बी हैपन। बट आप लोग जितने लोगों ने भी अप्लाई किया है कॉग्निजेंट के जेंसी प्लेटफॉर्म के लिए आप सभी को असेसमेंट का लिंक आएगा, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कॉग्निजेंट जेंसी एग्जाम डेट एंड टाइम बता दिया फ्रेंड 22 जून से स्टार्ट हो, मतलब पहले भी हो चुका था, ये सेकेंड फेज में हो रहा है बहुत लोगों का 22 जून से 2 घंटे का एग्जाम ड्यूरेशन आपका होने वाला है और आप लोग गिवन टाइम के अंदर में आप लोग कभी भी लॉगिन कर सकते हो। कॉग्निजेंट जेंसी टोटल राउंड एंड प्रिपरेशन में अभी बताऊंगा आप लोग को, इस कोडिंग राउंड इज देयर इन राउंड में देश में स्यूडो कोड आपका रहने वाला है कॉग्निजेंट के जेंसी राउंड में। व्हेन वी रिसीव असेसमेंट लिंक, तो फ्रेंड बता दूँ जैसा मैंने पहले बताया था बहुत लोग को आना चालू हो गया, अभी आप लोग को नहीं आया तो बस आप लोग को मैं एक ही बात बोलूँगा, आप लोग प्रिपेयर करना चालू कर दो, आप लोगों के पास बहुत जल्द आ जाए, ओके। आज बहुत लोगों का आया है, कल भी बहुत लोगों का आया था, ठीक है। जेंसी कंप्लीट स्टडी मटेरियल मैं आपको देने वाला हूँ, राउंड 1 एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम पैटर्न एंड कंप्लीट सिलेबस फ्री PDF डाउनलोड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे का, तो फिर इस वीडियो का लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, इसमें मैंने आपको अच्छे से पूरा बता रखा था, मैंने अपने इन पे PDF भी शेयर करा था आपको क्या क्या राउंड होने वाले हैं, क्या क्वेश्चन आपसे पूछने जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें जो लिंक है PDF का लिंक फिर नीचे आएंगे तो देखेंगे तो फिर आपको जो है सब कुछ जो आपको मैंने प्रोवाइड करा रखा है वीडियो में आप लोग सब कुछ नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फिर बात कर लेते हैं हम लोग प्रोसेस का, इससे पहले मैंने बताया था आपको देखेंगे फिर लास्ट डेट इनका 13th of June था अप्लाई करने का, ठीक है। तो फिर जब नीचे देखेंगे तो फिर इनका राउंड 1 जो एप्टीट्यूड होने वाला है, ठीक है। अब एप्टीट्यूड में कौन कौन सा राउंड होने वाला है तो मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है, ठीक है। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तो फिर इसमें आपको बेसिकली आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला, लॉजिकल रीजनिंग आने वाला, वर्बल एबिलिटी आपका आने वाला, ऑटोमाटा फिक्स आने वाला है, ठीक है। और फिर क्या क्या आपको पढ़ना होगा, फिर इतना सारा डिटेल्स वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। विजिबिलिटी, SCF, LCM, नंबर, डेसिमल फैक्टर, सिंपल कंपाउंड, लॉजिकल रीजनिंग में आपको आने वाला कोडिंग लॉजिक, कोडिंग वर्ड, लॉजिकल वर्ड, ठीक है, पजल्स, कोडिंग पैटर्न, नंबर सीरीज पैटर्न, डाटा फ्रीक्वेंसी, लॉजिकल और वर्बल एबिलिटी में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉन्टेक्स्चुअल, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कंस्ट्रक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप, इंटीग्रेशन, सेक्शन, डिसीजन प्रोसीजर, मतलब कि इसका मैंने सारा डिटेल्स वगैरह मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है, आपको वो सारा कुछ मैंने आपको उसमें बता रखा है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं राउंड आपका पहला आपका एप्टीट्यूड राउंड होने वाला, जिसके पे 4 सबसेक्शन होने वाले हैं। आप लोग जब जेंसी के लिए क्वालिफाई कर जाओगे एप्टीट्यूड राउंड, तो फिर देखेंगे जेंसी राउंड 2 एंट्री क्राइटेरिया मेट, आप उसके बाद आपको राउंड 2 का आपको जेंसी के डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, मतलब एप्टीट्यूड के बाद आपको कोई भी राउंड नहीं होने वाला बीच में, ठीक है। बस आपका एक ही राउंड होगा, उसके बाद आपको सीधा आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू का प्रिपरेशन किस पे होने वाला है सर, टेक्निकल कॉग्निटिव एबिलिटी एंड द राइट एटीट्यूड, ठीक है। उसके बाद जो लोग राउंड 2 क्वालिफाई करेंगे फिर सिलेक्टेड फॉर द राउंड 2 जेंसी, मतलब आपका जैसे आप राउंड 2 मतलब टोटल दो राउंड आपका होने वाले हैं, राउंड 1 इज योर एप्टीट्यूड राउंड, राउंड 2 इज योर इंटरव्यू राउंड, मतलब दो राउंड आपका होने वाला है। उसके बाद आपको सीधा आपके पास कॉग्निजेंट का जेंसी का ऑफर लेटर आ जाएगा। तो फिर देखिए तो पोस्ट प्रोबेशन कंप्लीशन 4.5 LPA और इनिशियल कंप्लीशन 4.01 LPA,
बिफोर ज्वाइनिंग कॉग्निजेंट रिकमेंडेड स्किल सर्टिफिकेशन प्लस कॉलेज ग्रेजुएशन स्कोर ग्रेटर देन 60%, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा, आप लोग चाहो तो उसको पूरा फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है, आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो इसको भी, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सब कुछ डिटेल्स वगैरह, आप प्रिपरेशन मटेरियल एग्जाम पैटर्न आपको सब कुछ इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 22 जून को एग्जाम होने वाला है, इसके बाद 23 जून को भी होगा, 23 जून को भी होगा, ठीक है। जिन्होंने सबसे लेट में अप्लाई किया है ना, 12 जून 13 जून, तो मे भी उनको थोड़ा सा लेट से देखने को मिल जाएगा। तो लेकिन हाँ, आप लोग ये श्योर रहना कि आप लोग में से सभी को जो है असेसमेंट का लिंक आएगा, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी, हाँ अगर आप लोग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो तो, जैसे कि आपका 22 बैच होना चाहिए, आपका 60% आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में होना चाहिए वगैरह वगैरह, मतलब आप लोग सभी को फुलफिल कर रहे हो, देन ओनली यू विल बी रिसीविंग अ कॉग्निजेंट राउंड वन असेसमेंट, अदरवाइज आपको कुछ भी मेल नहीं आएगा, ना ही रिजेक्शन आएगा, ना ही सिलेक्शन आएगा, ठीक है। तो आप लोग की बात को ध्यान में रखना होगा। तो अभी आप लोग बिल्कुल भी डरिएगा मत, जो लोग भी वेट कर रहे हैं अपना एग्जाम का, अप्लाई कर चुके हो तो उसके बाद आप लोग अभी वेट करो, आपको पास बहुत जल्द असेसमेंट का लिंक आने वाला है और अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर दो, क्योंकि इसमें टूट आपको दो राउंड होने वाले हैं। पहला आपका राउंड होने वाला है कॉग्निटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड राउंड, जो आप लोग आराम से क्वालिफाई कर दोगे, और दूसरा पर इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड में आपके ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन कॉग्निजेंट वाले नहीं पूछते, बस आपका बेसिक प्रोजेक्ट रहता है, कुछ कुछ टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं, जावा पे कुछ क्वेश्चन रहते हैं। मैंने कॉग्निजेंट का प्रिपरेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, आप लोग मेरे बस यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, मैं चैनल पर जाकर देखिएगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो ज़्यादा टफेस्ट नहीं है कॉग्निजेंट का राउंड निकालना, जो जेएनसी रोल के लिए भी करंटली जो हायरिंग कर रही है, इसलिए आप लोग सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट होगा आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।